आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को किसी मुकदमे में गिरफ्तार ना करने से मुतालिक सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ नैब की अपील पर समाअत हुई। अदालत ने नैब को अपील के साथ मजीद दस्तावेजात लगाने की हिदायत कर दी। आपको बता रहे हैं परवेज इलाही को किसी मुकदमे में गिरफ्तार न करने से मुतालिक सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ नैब की अपील पर समाअत हुई। अदालत ने नैब को अपील के साथ मजीद दस्तावेजात लगाने की हिदायत कर दी। जिस केस का आप हवाला दे रहे हैं वो ऑर्डर फाइल के साथ नहीं लगा। अदालत के रिमार्क्स लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकी नजफी और जस्टिस राहील कामरान पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने अपील पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया था। इसी हवाले से अपडेट्स जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कैपिटल टीवी लाहौर शादाब रियाज से। जी शादाब रियाज, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकी नजफी और जस्टिस राहील कामरान शेख पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने नैब की अपील पर समाअत की। नैब ने दरख्वास्त में मौकिफ इख्तियार किया कि सिंगल बेंच का फैसला हकाइक के बरक्स है। नैब केसेस में सिर्फ दो रुकनी बेंच समाअत का इख्तियार रखता है। सिंगल बेंच ने हकाइक के बरक्स परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोका है। अदालत अपील के हतमी फैसले तक सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करे। इसके अलावा अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जिस केस में आप हवाला दे रहे हैं वो ऑर्डर फाइल के साथ नहीं लगाया, यानी कि जिस केस का रेफरेंस दिया जा रहा है वो फाइल के साथ नहीं लगाया गया। अदालत ने नैब को अपील के साथ मजीद दस्तावेजात लगाने की हिदायत कर दी है। जी